दोस्तों आपके पास कोई पी फाइल है और आप उसके अंदर से किसी पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो दोस्तों किस प्रकार करोगे तो आज की वीडियो में मैं आपको सेटअप बाय सेटअप बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपनी पी फाइल में से किसी भी पेज को डिलीट कर सकते हो तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर समाल पी डी एफ सर्च कर लेना है आपको ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेनी है अगर आप इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस पर क्लिक करके भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो अब दोस्तों आपके सामने ये एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से आ गई है आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा ठीक है दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगी अब दोस्तों आपको अपनी पी फाइल को यहाँ पर चूज करना है या अपनी यानी कि जिस पी फाइल के पेज को आप डिलीट करना चाहते हो तो उस पी उस पी डी फाइल को इसके अंदर आपको ऐड करना होगा ऐड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा इस प्लस का आइकॉन है जो नीचे इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कैमरा गैलरी और फाइल है आपको यहाँ पर फाइल चूज करना है फाइल चूज करने के बाद दोस्तों आपकी जो पी डी फाइल है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगी आपको इस फाइल को ऐड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी पीडीएफ फाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगी अब दोस्तों मेरी पीडीएफ मेरे सामने आ गई है आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पीडीएफ कुछ इस प्रकार से आएगी जिसके सभी पेज आपके सामने इस प्रकार से शो हो जाएंगे अब आपको किसी पेज को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए दोस्तों आपको नीचे पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जो देखिए ये नीचे बिल्कुल बिल्कुल नीचे की साइड पेज का ऑप्शन है आपको इस पेज वाले बटन ऑप्शन पे क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके पी फाइल के सभी पेज इस प्रकार से शो हो जाएंगे अब आपको जिस पेज को डिलीट करना है जैसे मान के चलो मेरे को इस पेज को डिलीट करना है तो इस पेज को डिलीट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा आपको इस पर क्लिक करना होगा जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप नीचे डिलीट का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो गया है आपको इस डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो जैसे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका पेज यहाँ पे डिलीट हो गया है तो डिलीट हो गया जैसे देखिए दोस्तों अब मेरे पास आठ पेज बचे हैं मैं इसको सेव करने वाला हूँ सेव करने के लिए आपको सेव वाले बटन पे ऊपर क्लिक करना होगा जैसे आप सेव वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी पी डी एफ पर सेव हो गई है अब आपको इसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि मेरा पेज डिलीट हुआ कि नहीं हुआ इस पर हम क्लिक करते हैं जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आठ पेज है और जो हमने पेज डिलीट किए वो हमारा पेज डिलीट हो गया है आसानी से तो दोस्तों ये हमारी पी सेव हो गई अब इस पी को हम अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे सेव करेंगे तो इसको सेव करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा आप इस थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा सेव टू डिवाइस आपको इसको सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देना जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो पीडीएफ है यानी की जो पेज डिलीट होकर आपकी पी आपके मोबाइल फोन में सेव हो जाएगी तो दोस्तों ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी है तो दोस्तों वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो तो मिलते हैं दोस्तों के नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद